बुरखा उतार दो आप, मत खोल बुरखा। आप बुरखा उतारिए, आप हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम नगर कोई टारगेट बनाया आप लोग? धर्म के नाम पर खूनी सियासत करने वाले खद्दरदारी और समाज की तथा कथित ठेकेदारों की आए दिन ऐसी करतूतें सामने आती हैं जिन्हें देखकर इंसानियत का सिर शर्म से झुक जाए। यहां समाज के तथा कथित ठेकेदारों ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी ने रंगों को धर्मों में बांट दिया तो किसी ने फलों को, किसी ने पशुओं को धर्मों में बांट दिया तो किसी ने धार्मिक स्थलों को। अब मध्य प्रदेश का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर मैं पूरी तरह निशब्द हूँ। इस वीडियो को देखिए और आप तय करिए कि क्या कोई धर्म इतना छोटा हो सकता है कि वह बुर्का पहनने से बदनाम हो जाए। मैं अगर बात इस्लाम की करूँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्लाम तो आपको किसी को सरेराह बेइज्जत करने, उनके चेहरे से हिजाब हटाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। और हाँ, बहन बेटियों को बापर्दा रहने की हिदायत देने वाले धर्म की किसी किताब में यूं किसी बेटी को रुस्वा करने का कोई हुक्म नहीं। बुरखा उतार दो आप, मत खोल बुरखा। आप बुरखा उतारिए, आप हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम नगर कोई टारगेट बनाया आप लोग? इस्लाम नगर में ही आते हैं ईंट खेड़ी पर आप लोग। अरे उतार दो बुरखा, उतार दो। आप बुरखा उतार दो, कुछ नहीं होगा। बुरखा उतारिए, आप बुरखा ले लो इनसे। ओहो, जींस में बुरखा ले लो, बुरखा ले लो भाई। हमारी कौम बदनाम हो रही है। भाई बुरखा उतार भाव ना यार, तुम लोग कौन बदनाम हो रही है। बुरखा ले लो, बुरखा ले लो इनसे, बुरखा लीजिए इनसे। नकाब भाई, नकाब उतारिए, नकाब। नहीं, नकाब तो उतारना पड़ेगा। नहीं नकाब, बुरखा लो, बुरखा। ये देखिए बुरखा मैंने ले लिया इनसे, ये बुरखा ले लिया है मैंने इनसे। भाई बुरखा लिया है मैंने इनसे, बुरखा देखिए, देखिए भाई ये कौम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। भाई नकाब, गाड़ी की चाबी। नहीं नहीं, नकाब उतारिए आप, नहीं पता तो चले लोगों। सनद रहे कि मध्य प्रदेश से आने वाली ये कोई पहली तस्वीर नहीं जो इंसानियत को सरेराह शर्मसार करती हो, और ना ही ये पूरा सच है कि सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में जहरीली हवा की दस्तक है, बल्कि यहाँ हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी कई ऐसे तथा कथित ठेकेदार सक्रिय हैं जो आए दिन ऐसे कारनामे करते हैं जिनसे न सिर्फ आम हिंदू बदनाम होते हैं बल्कि समाज में भी उनका सीधे सीधे गलत संदेश जाता है। मैं यूं भी कहूं तो गलत नहीं कि इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देने वाले धर्मों को कुछ ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। इन्हें जान लेना चाहिए कि इससे धर्म बदनाम नहीं होते बल्कि इससे इनकी घटिया सोच का प्रदर्शन होता है। फिलहाल भोपाल पुलिस द्वारा इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर पुलिस को चाहिए कि सर्व धर्मों में सक्रिय हो चले ऐसे अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करें ताकि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को कोई ठेस न पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।